तंजीमुल उलमा सोसाइटी ऑफ ऑल द्वार्स का एथलबाड़ी बड़ी मस्जिद में एक विशेष सभा की आयोजन की गई, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित थे सभापति शहीद राजा अशरफी, सचिव अशरफ राजा, मौलाना जावेद अशरफी एवं मोहम्मद सियामुद्दीन एवं दिलवर अंसारी, तथा मुख्य रूप से आलम अंसारी, मकसूद अंसारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। आगे इस कार्यक्रम में कई मुद्दों पर चर्चा किया गया, जहां सभी मुस्लिम समुदाय को एकजुट रहने का आह्वान किया गया। वहीं उपस्थित मुख्य अतिथियों ने क्या कहा, देखिए यह विशेष खबर। देखते रहिए एनआई द्वारस न्यूज और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहिए। कि कुरान में बज़ाहिर दो तलाक का जिक्र है, सुनिएगा, बज़ाहिर दो तलाक का जिक्र है। इन्होंने क्या कहा है कि कुरान में कहीं भी तीन तलाक का जिक्र नहीं, इसलिए तीन तलाक को खत्म। द्वारस न्यूज, मैं हूँ रमन कुमार झा, एथलबाड़ी बड़ी मस्जिद से। यहाँ उलमा कमेटी का, द्वारस इलाके के प्रतिनिधियों का एथलबाड़ी बड़ी मस्जिद में एक सभा हुई है। सभा के दौरान बहुत सारे विषयों पर यहाँ पर चर्चा की गई है। साथ ही महिलाओं का जो एक कमेटी बनाई गई है, खातून कमेटी, उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा हुआ है। तो मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि आपसे जानना चाहूँगा कि आज का कमेटी का क्या मुख्य उद्देश्य है और क्या कहना चाहते हैं, एकदम सामने देखिए। सबसे पहले आप सभी को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुन्नी तंजीमुल उलमा सोसाइटी का सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ रज़ा। आज हम लोग यहाँ पर मीटिंग किए थे, हम लोगों ने सुन्नी तंजीम उलमा सोसाइटी की जानिब से पूरे द्वारस से, जितने भी द्वारस में जितने भी मुस्लिम अंजुमन कमेटी हैं, उन तमाम कमेटी के सदर, सेक्रेटरी और अराकीन मेम्बरान को हम लोगों ने मदऊ किया था। वो लोग तमाम लोग जो है, तमाम कमेटी के मेम्बरान, कमेटी के अराकीन लब्बैक कहते हुए आज हमारी आवाज़ पर एथलबाड़ी की सरजमीन में तशरीफ़ लाए। हम सब उनका शुक्रगुजार हैं। और यहाँ पर काफ़ी तादाद में पूरे सामुकतुला से लेकर के उदलाबाड़ी तक जितने भी मुस्लिम अंजुमन कमेटी हैं, तमाम लोग यहां पर आज शामिल हुए हमारी कमेटी। तो आज जो आप लोगों का बैठक हुआ, ये बैठक का उद्देश्य क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है? बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि कम से कम हम लोगों में जो काफ़ी दिनों से एक मेल मिलाप नहीं हो रहा था, हमारे बीच जो है एक दूसरे से दूरियाँ बढ़ती जा रही थी, तो हम लोगों ने जो है क्या किया कि कम से कम एक जगह बैठने के बाद एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ा, भाईचारगी, इत्तेहाद, इत्तेफाक, इन्हीं सब बातों में हम लोगों के बीच चर्चा। मतलब द्वारस के जितने भी कमेटी है, अंजुमन कमेटी है आपका, उन सभी लोगों को एक मंच पर लाकर विचार विमर्श किया गया जी। इसी को लेकर बैठक था। और क्या मुद्दा है जिस पर विशेष रूप से चर्चा हुआ? क्योंकि आप लोगों में से कोई व्यक्ति मुझे बोला कि खातून कमेटी जो बना हुआ है उसको लेकर कुछ आप लोगों में जो है पसो पेश का अवस्था है, उसमें कुछ आप लोगों को मंजूर है, कुछ नहीं मंजूर है, तो उस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल बात यह है कि ऐसे खातून कमेटी को लेकर के नहीं है, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। खातून कमेटी बना है, खातून कमेटी काम करती है, हर जगह है, पूरे द्वारस में खातून कमेटी है, हर जगह अपना काम बखूबी वो लोग अंजाम दे रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है इस बात की। लेकिन कुछ दिन पहले जब आप पूछे हैं तो मैं क्लियर आपको बताता हूँ। जी जी जी, कुछ दिन पहले जो है खातून कमेटी बनी है और वो पूरे द्वारस का लेकर के एक जनरल अंजुमन खातून कमेटी बनी, तो उन लोगों ने वहाँ पर एक मुद्दा उठाया था तलाक का, और मुसलमानों में जो है कम उम्र की लड़कियों को शादी कर दिया जाता है, इसका मुद्दा उठाया। और साथ ही साथ मुसलमानों में बाज़ाब्ता उन्होंने कहा कि मुस्लिम में जो है पहनावे को लेकर के रोका टोका जाता है, और साथ ही साथ पढ़ने लिखने को लेकर के टोका जाता है, रोका टोका जाता है। तो मैं, हम लोग इसी मुद्दे पर आज चर्चा हुआ कि कम से कम मुसलमानों को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश ना की जाए, जलील करने की कोशिश ना की जाए मीडिया के सामने, दुनिया के सामने। इसलिए कि आज आप देखेंगे, नज़र उठा करके देखिए, मैं उन बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप नज़र उठा कर देखें कि हमारी बहनें बुरका पहनकर, हिजाब पहनकर के प्लेन भी उड़ा रही हैं, है ना, और वो प्रोफेसर, कॉलेज की प्रोफेसर्स हैं, और वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सारे काम कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए कहाँ रोका जा रहा है, कहीं नहीं। आज भी हमारी बहनें देखिए जाकर के पूरे द्वारस में अधिकतर जो है हमारी बहनें आज कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छे ओहदे पर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, चाहे वो सरकारी रूप में हो, कहीं पर भी जाके देखिए हमारी बहनें आगे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी आगे आएँ, लेकिन कम से कम अपने दीन का, अपने कौम का, अपने मजहब का ख्याल रखा जाए। वो महिलाओं का जो तलाक का मामला था, ठीक है, तो तलाक देने से तो मान लीजिए कि एक महिला का जिंदगी तो मतलब
खराब हो जाता है ना, तो उस मुद्दे पर आपको क्या है? उस मुद्दे पर हमको कोई एतराज़ नहीं है। बात दरअसल ये है कि मैंने उन लोगों से भी बात की है कि तलाक़ की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी किस्में हैं, खैर उस तरफ मैं नहीं जाऊँगा। बात दरअसल ये है कि देखिए, तलाक अगर कोई एक इंसान गलती से शराब पीकर हो, नशा की हालत में हो, ये सिर्फ मुस्लिम में तो नहीं होता, सिर्फ मुस्लिम में नहीं है। अगर सिर्फ मुस्लिम में होता तो कोर्ट सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं बनाया जाता, ये भी हमको पता है, ठीक है। ये तमाम मजहबों में होता है, इसीलिए कोर्ट है, इसीलिए कानून है। तो अगर एक बंदा शराब पी करके या गुस्से में या नशा की हालत में अगर किसी को तलाक दे देता है, तो आप उस एक आदमी की वजह से पूरे कौम को बदनाम नहीं कर सकते। नहीं, उनका कहने का मतलब है जो तीन बार तलाक बोलने से जो हो जाता है, उसके बाद में जो महिलाओं को हलाला वगैरह से गुजरना पड़ता है, ये सब कुरीति को ख़त्म करने के लिए उन लोगों का अपील है। तो इसमें आपको क्या राय? इसमें मेरी राय रही यही है कि वो मीडिया में ना आ करके हमारे मुफ्तियान कराम से मुलाकात करें। अगर आपको मसला समझना है तो मसला समझने के लिए मदरसे में आना पड़ेगा, मीडिया में नहीं आना पड़ेगा। आप मीडिया में आकर के आप कौम को जलील कर रही हैं। आप मदरसा में आइएगा तो आपको वहाँ कुछ सीख करके जाना पड़ेगा। आपका कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को जो भी समस्या है अपने मतलब कमेटी आए, अंजुमन कमेटी में उसका फैसला करे, ये मंच वगैरह में जो मीटिंग वगैरह में ये सब चीज़ को नहीं बोलना चाहिए। तो मतलब इसका ये है कि शिक्षा को लेकर जो उनका आवाज़ है उस पर क्या इतराज़ है? कुछ इतराज़ नहीं है, पढ़े लिखे आगे बढ़े। कहीं भी इस तरह आज के वक्त में, मैं तो कहूँगा आज के पुराना ज़माना ऐसा था जहाँ पर रोका टोका जाता था, शायद मुझे याद नहीं, लेकिन आज मैं देखता हूँ, मैं खुद अपनी बेटी, मेरी भी एक बेटी है, मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी पढ़े, अच्छा आगे बढ़े। हाँ, कौन मुस्लिम ऐसा है जो अपनी बेटी को आगे पढ़ाना नहीं चाहता, लिखाना नहीं चाहता और अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहता? ये गलत बात है कि आप मुस्लिम कौम को बदनाम करेंगे कि मुसलमान अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहती हैं। सरासर ये झूठ है, बोहतान है, और अगर ऐसा जारी रहा तो फिर तमाम मुस्लिम अंजुमन कमेटी उन खातूनों पर एक्शन लेने से गुरेज नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, इनका सीधा कहना है कि भाई देखिए, महिलाओं को तलाक का मुद्दा हो या कोई भी शादी विवाह का मुद्दा हो, तो कौम में आपसी जो कमेटी है गांव का या मदरसे कमेटी है या मस्जिद में, उस चीज़ को उठाए, मतलब एक सभा करके मंच सजा कर इस चीज़ का मतलब प्रचार न करें या इसकी मांग न करें। तो आपका परिचय क्या है? मैं मोहम्मद अशरफ रजा, हाशिमारा का निवासी हूँ मैं, और सुन्नी तंजीम उलमा सोसाइटी का सेक्रेटरी। ये सदर साहब है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद रजा अशरफी। अच्छा अशरफी जी, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या राय है? मेरा राय और मशवरा यही है कि जो अभी मेरे साहब जनाब अशरफ साहब ने जो भी बयान दिया है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा उनका बयान था और उसी बयान पे हम राज़ी हैं। क्योंकि हम हर एक इंसान यही चाहता है कि ये जो सारी बातें, जो कौम की बात है, जो मज़हब की बात है, वो अपने दरमियान ही रहे, अपने बीच में ही रहे। आपसी अगर उन लोगों के अंदर मोहब्बत है तो एक साथ बैठकर सारी बातों को वहाँ पे रखी जाए, और फिर वो अंजुमन कमेटी हो, तंजीमुल उलमा हो, या जो कमेटी है, वो तमाम कमेटी बैठकर उसका फ़ैसला लिया जाए। अच्छा, लेकिन अब तीन तलाक का मुद्दा तो ख़त्म हो चुका है, कानूनी ख़त्म हो चुका है, अब उसके ऊपर में अगर कोई करता है तो सज़ा का भी प्रावधान है, फिर भी आप लोग तलाक को मुद्दा बनाकर महिलाओं को क्या रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तलाक का मुद्दा को रख के औरतों को बहलाने, फुसलाने, वरगलाने का कोई काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना है कि अगर वो तीन तलाक का मुद्दा हो या एक तलाक, दो तलाक, जैसे मुफ्ती साहब क़िबला ने भी इनका बयान फरमाया है, तलाक के बहुत सारे किस्म हैं हमारे मज़हब में, हमारे कुरान में, वो किस मौके पे कौन सी तलाक देनी चाहिए वो कुरान हमें बताता है, हदीस हमारा मौजूद है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये तीन तलाक का मुद्दा अगर एतराज़ है या कानून लगा हुआ है तो इसको बैठ के सॉल्व करना चाहिए, ना कि हमको बाहर बोलनी चाहिए ये बात। ये हम पहले बैठ के सॉल्व करेंगे। अगर हमारे कमेटी, चूँकि हम लोग खुद चाहते हैं कि कोई मर्द ऐसी गलती ना करे कि फौरन, जैसे वो शराब पी लिया उसके बाद फौरन तलाक देता है, गुस्सा हो गया। अगर शराब, इस्लाम में तो शराब पीना जो है बहुत ही बड़ा गुनाह है जी, बिल्कुल। तो अगर शराब पी के अगर वो तलाक देता है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो इस्लाम का मानने वाला ही नहीं है, शराब पी लिया। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि शराब तो हराम है और शरीयत इस्लाम में वो नागवार चीज़ है, हराम चीज़ है। लेकिन हम लोगों ने जो मसला
पढ़ा है बचपने से शुरू से, और जो शरीयत में जो कुरान में है कि इंसान उस सूरत में भी अगर है नशे की हालत में और अगर किसी को तलाक दे रहा है तब भी तलाक वाके हो जाएगी चाहे वो नशे की हालत में क्यों ना हो। लेकिन उससे पहले क्या है, मेरा कहना है कि वो मशवरा होना चाहिए, मर्द बहुत जल्दी तलाक ना दें चाहे वो किसी भी हालत में हो। अगर नशे की हालत में तलाक दे दिया तो तलाक मंजूर हो गया? जी मंजूर हो जाएगी, उसमें देखना पड़ेगा। नशा टूटने के बाद में अगर उसने बोला कि नहीं मुझे गलती से दे दिया तो? नहीं, फिर उसमें वो देखना पड़ेगा, वो मुफ्तियाने किराम मसाइल बताएंगे कि कितने कितना तलाक उसने दिया है, एक दिया, दो दिया, तीन दिया, तो उस मसले पे गौर किया जाएगा। अच्छा सदर साहब, आपका साफ कहना है कि जो भी महिलाओं का मुद्दा है, जो भी कानूनी तौर पर मुद्दा है या कोई उनका शिक्षा का मुद्दा है, इस मुद्दे को एक साथ बैठकर अपने कौम में ही सुलझाने का आप लोगों का मेन मुद्दा, यही कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि जो खराबी मुझ में है तो मैं क्यों दूसरे को बताने जाऊं कि मेरे अंदर ये खराबी है। अच्छा सदर साहब, एक मिनट में अपने युवाओं को, लोगों को अच्छा संदेश कुछ देना चाहते हैं, महिलाओं को, युवाओं को क्या कहना चाहते? जी हम, मैं अपने माँ बहनों को और हमारे नौजवानों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप मुस्लिम हैं और मजहब इस्लाम का दर्द आपके दिल में है तो आप मुफ्तियाने कराम हमारे उलमा कमेटी से हर मसले के बारे में आप एक जगह बैठकर पहले उसका सवाल कीजिए, उसका जवाब आपको तशफ़ी बख्श जवाब मिलेगी, ना मिले तो उसके आगे फिर आपका रास्ता आप इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि तमाम युवा हो, यौंग लड़के हो, नौजवान हो, हमारी माँ बहने हो या हमारी माँ बहने हो, वो हमारी तंजीम से जुड़ जाए। सभा को लेकर हम लोग कहना चाहते हैं कि आज मैं यहाँ पे द्वारस का जो भी हम लोग का पहले से जो जनरल कमेटी है जो 52 बगान उन बगान को लेके है, वो सभी बगान का सभी कमेटी का आपका सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और इमाम सब आया हुआ था। अभी हम लोग का जो पुराना जनरल कमेटी है उसको हम लोग अभी फेरबदल करना चाहता है, इसके लिए आज में एक एडअप कमेटी बना है। आने वाला दिन में हम लोग जो पुराना कमेटी है उसका साथ में बैठेगा, बैठकर रब्ता करेगा, फिर नया जनरल कमेटी का गठन करेगा। यही बात बोलना है, हमको भी बोलना है और सारा आवाम का, सारा कमेटी का यही बोलना है। मेरा नाम दिलवर अंसारी, मैं चामुर्ची चेक पोस्ट का रहने वाला हूँ। यहाँ पर साफ कहना है कि अपने सामाजिक कोई भी क्रियाकलाप है, जो शादी विवाह का मैटर है या तलाक का मैटर हो, तो आपसी भाईचारे के साथ में उसको निपटाने की कोशिश करें, और अगर नशे की हालत में भी कोई तलाक देता है तो उसको तलाक लागू हो जाती है, लेकिन उस पर बैठकर बातचीत करके उस मसले को सुलझाया जा सकता है। तो आप लोग देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज। मैं रमन कुमार झा, एथलबाड़ी बड़ी मस्जिद से। कौन से कमेटी की मीटिंग हुई? जी ये सुन्नी तंजीमुल उलमा सोसाइटी ऑल द्वारस, ऑल द्वारस की ये सुन्नी अंजुम सुन्नी तंजीम कमेटी की, ये उलमा कमेटी की ये बैठक हुई है जिसमें हर जगह से लोग पूरे द्वार से आए हुए हैं। और द्वारस के जो भी ये मुस्लिम अंजुमन कमेटी है वो तमाम द्वारस के लोग यहाँ हाजिर हुए थे, उनके सदर सेक्रेटरी और उनके जो मेंबरान अराकिन होते हैं वो सब हाजिर। तो ये सदर साहब ने बताया दर्शकों आप लोगों को, तो आप लोग अपने घरों में स्वस्थ रहिए और अपना परिवार का ख्याल रखिए। तो देखते रहिए एनआई द्वारस न्यूज़ और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से।